से बहुत उन्नत हो, बहुत बेहतर हो। कल से हमारा तैयारियां, कल से हमारी प्लानिंग, कल से हमारा एग्जीक्यूशन, सब कुछ बहुत बढ़िया हो। और ये धारणा करके हम चलेंगे तो एक एक दिन को हम बहुत मूल्यवान बना सकते हैं। तो आज करेंगे हम कुछ नई आदतें, स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में जानेंगे। आदतें की पूरी बुक आई हुई है जिसमें बहुत सारी आदतें हैं, पर हमारा स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य रक्षा हमारा मुख्य ध्येय है। तो स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जो भी हमसे हो सकता है वो सब कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा को ऐसा जीवन में एक, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य निर्माण, तो हमें इस दिशा में जो भी हमसे बन पड़ता है वो सब कुछ करना चाहिए। सेहत साथी वाला प्रोजेक्ट भी हमने चर्चा की थी, उसपे भी खूब अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए। पर खुद को भी तो स्वास्थ्य संबंधित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ आदतें उदाहरण स्वरूप मैं आज बता रहा हूँ, ऐसी आदतें बहुत सारी होती है। सारी आदतों को, स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या आदतें होती है वो तो सारी को तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि 24 घंटे ही उन आदतों का पालन करना होता है प्रतिपल। पर कुछ उदाहरण स्वरूप कुछ आदतें बता रहा हूँ। शरीर संतुलन संबंधित आदतें, शरीर का संतुलन बना रहना चाहिए। शरीर के जो भी तंतु अवयव, हड्डियों के जोड़, नस, नाड़ी आदि बहुत व्यवस्थित और सीमित जगह में स्थित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स और सारे तंतु अवयव एक बहुत ही, इतनी सी बॉडी में बहुत व्यवस्थित तौर पर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, और वो अपना कार्य कर रहे हैं। यदि हम अपने संतुलन की गड़बड़ी से उन्हें बाधा पहुंचाएंगे, यानी उनको इधर उधर कर देंगे, तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। मान लो किधर ब्लड जाना कम हो गया, किधर वो L5 L4 हो गया, किधर क्या हो गया, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए संतुलन संबंधित कुछ आदतें हैं, ये उदाहरण है। लगातार सिटिंग न करें, यदि करनी भी पड़ती है तो हर आधे घंटे में खड़े होकर थोड़ा चलने का प्रयास करें, उल्टा कुछ देर खड़े होकर अपना कार्य करें। सिटिंग को बहुत लगातार नहीं करनी चाहिए। इनका आप फोटो ले सकते हो, कुछ कर सकते हो। जब भी बैठने की पोजीशन सीधी रखें, गर्दन झुकी हुई न रखें, वह कमर सीधी करके बैठें, पांव भी जमीन पर सीधे टिके रहें, ऐसे पांव हर किधर उधर उधर नहीं हम जाने चाहिए। तो ये हमारी आदत होनी चाहिए, लगातार किसी भी एक तरफ झुकने वाली या एक दिशा में अधिक भार डालने वाली स्थिति में कार्य न करें। भोजन, पानी, मल मूत्र विसर्जन में सभी क्रियाएं जहां तक संभव हो नीचे बैठ कर करें। उल्टा कभी न सोएं, सीधा या करवट लेकर सोएं, मोटा तकिया न इस्तेमाल करें। खड़े होते समय पांव की दूरी को शरीर के समानांतर में रखें। अतिरिक्त समय में नीचे जमीन पर पालथी लगाकर या उपड़ू बैठे। तो ये कुछ उदाहरण थे शरीर संतुलन, संतुलित रहनी चाहिए शरीर हमारा पूरा, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें व्यवस्थित रहेगी और काम करेगी। पर ऐसी बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और इनके लिए करना कुछ नहीं, बस आदत की बात है। इनके लिए अलग से कुछ नहीं करना, इसमें अलग से टाइम देना कुछ नहीं है, केवल एक ज्ञान और अभ्यास और आदत बस। ये बहुत स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी आदतें हैं उसके लिए अलग से करने वाला बहुत ही कम मिनट है, केवल जो कर रहे हैं उनको ठीक तरीके से करने वाली बातें हैं। इसलिए इसमें समय का कोई मुद्दा नहीं है, केवल अभ्यास का और निश्चय का और आदत का मैटर है। भोजन संबंधित आदतें, क्योंकि भोजन संबंधित आदतें स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भोजन करते समय हमारा मन क्या कर रहा है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है, तो वो भोजन उतना गुणकारी नहीं हो पाता है।
तो क्या करना चाहिए, भोजन करते समय मोबाइल को बंद कर दें, वह भोजन के अलावा अन्य कुछ न करें, पूरा ध्यान भोजन में रखें। जैसे हवाई जहाज में बैठते हैं तो वो बंद करवा देते हैं ना मोबाइल, तो उससे ज्यादा जरूरी है भोजन करते समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। जो भी आएगा बाद में वापिस बात कर सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी उस चीज में करें। भोजन को और भोजन बनाने वाले को मन ही मन शुक्रिया अदा करें, बहुत पॉजिटिव भाव रखें भोजन के प्रति, जो बनाया है जिसके प्रति शुक्रिया, और भोजन को शुक्रिया कि आज मुझे इतना अच्छा भोजन करने को मिल रहा है और ये भोजन मेरे शरीर में जाकर बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है। भोजन स्वादिष्ट व पोषक है, सूक्ष्म में ये भाव रखते हुए भोजन करना, मन में ये भाव, उसके प्रति शिकायत नहीं रखनी है, स्वादिष्ट है, पोषक है, बहुत अच्छा है, ये भाव रखते हुए भोजन करना। भोजन करते समय मन को शांत व प्रसन्न रखना, यदि मन किसी भी तरह से प्रतिकूल है तो थोड़ी देर सूक्ष्म का अभ्यास करके उसे शांत करें, फिर भोजन करें। मान लो बहुत क्रोध आ रहा है, डिस्टर्ब है मन, कोई टेंशन है, तो ऐसी स्थिति में भोजन न करें, पहले सूक्ष्म में थोड़ा 2 मिनट का अभ्यास करें, मन को व्यवस्थित करें थोड़ा उसको, और फिर आराम से शांत होने दें, फिर भोजन करें खुशी प्रसन्नता के साथ। भोजन जल्दबाजी में नहीं करना, पूरी तरह से चबा चबा कर भोजन करना। भोजन करते समय 30 मिनट पहले तक पानी पीना चाहिए, वह भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ये करने के लिए बाकी समय में पर्याप्त पानी पीते रहे। जब पानी पीना पानी छोड़ दिया और भोजन करते समय फिर पानी पीना पड़ता है, इन आदतों को ठीक करना चाहिए। भोजन नीचे जमीन पर बैठकर करना चाहिए। जब तक अच्छी भूख ना हो भोजन न करें। भोजन इसलिए न कर ले कि चलो समय हो गया है, कोई कह रहा है, ये सब नहीं, भूख अच्छी होनी चाहिए। और भोजन से पेट को 75% ही भरना है, भर पेट भोजन कभी नहीं करना। भोजन में एक साथ बहुत तरह की प्रकृति के पदार्थ शामिल न करें। यदि पका हुआ भोजन ले रहे हैं तो उसके साथ फल जूस, कच्चे मेवे आदि शामिल न करें। फल जूस आदि लेने तो उनको अलग से ले, उनका पाचन का तरीका अलग है, वे जल्दी पच जाते हैं। फल लेते समय ध्यान रखना कि खट्टे फल व मीठे फल एक साथ न खाएं, कोशिश करें कि एक समय में एक ही फल खाएं। भोजन से पहले कच्चा सलाद अवश्य ले सकते हैं और वह लेना भी चाहिए। मैदा से बना हुआ भोजन, तला हुआ जंक फूड, पे फूड, शक्कर, ये सब हम जानते थे, आदि से अधिकतम बचें, ये हमारे लिए नहीं है। भोजन के तत्काल पश्चात सोए नहीं, इधर भोजन किया और इधर सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आपके खाने के समय निश्चित कर ले और उनका पालन करें। आपके जीवन में निश्चित कर लें कि मैं इतने बजे नाश्ता करता हूँ, इतने बजे दोपहर का भोजन, इतने बजे शाम का भोजन, वो टाइम फिक्स कर ले और उनका पालन करें। कभी कब खा लिया, कभी कब खा लिया, उसको थोड़ा हटाए लाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 24 घंटे में 14 से 16 घंटे ऐसे निश्चित कर लें जब कुछ न खाएं और उसका सख्ती से पालन करें। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या अंतरकालीन उपवास कहते हैं। ये स्वस्थ रहने का सरलतम लेकिन प्रभावशाली तरीका। इसके साथ ही दोपहर तक पका हुआ कुछ न खाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये चीज आप अपना लेंगे तो आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हल हो सकती है, बहुत फिट रह सकते हैं, बहुत अच्छे रह सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, शाम का जो भी भोजन किया है मान लो 8 बजे, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाया, और 10 बजे से फिर दोपहर तक
केवल कच्चा भोजन किया, तो ये आसानी से किया जा सकता है, बाकी टाइम आप पका हुआ भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी आदत है और इजीली एक बार आदत पकड़ ली तो आप कर सकते हैं। उठते ही चाय पीने की आदत है तो तत्काल छोड़ दे, बहुत अच्छी आदत नहीं है। उपवास शरीर शोधन के लिए बहुत प्रभावशाली है। उपवास में शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं। पूर्ण उपवास, फलाहार और उपवास, एक समय का व्रत जितना आपसे हो सके महीने में एक बार या इसे अधिक बार जरूर करें। खाने के नियत समय के अलावा कुछ मत खाइए। जैसे आपका फिक्स टाइम है कि इतने बजे ब्रेकफास्ट है, इतने बजे लंच है, फिर ये शाम का भोजन है, बीच में फिर ये खा लिया, कभी क्या खा लिया, वो नहीं होना चाहिए। बस आपका जो फिक्स टाइम है उसी समय मुख खोलना खाने के लिए। स्वयं के शरीर की सुनना सीखें। सबके लिए एक भोजन उपयुक्त नहीं हो सकता। आपका शरीर दूसरे तीसरे दिन बता देता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो हमारा शरीर खुद बोल देता है कि ये भोजन खाया था ये उपयुक्त नहीं है या उपयुक्त है। दूसरे दिन तीसरे दिन वो उसका रिएक्शन देता है। तो रोज सुनते 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 हमें पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा भोजन सही है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका शरीर अलग अलग, मशीन अलग अलग, तो एक नहीं हो सकता। रात्रि भोजन और सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें, वैसे 4 घंटे का अंतर श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे का अंतर 4 घंटे का होना चाहिए लेकिन हमको मजबूरी में 2 घंटे लिखना पड़ रहा है क्योंकि 4 घंटे हमारा रूटीन ही ऐसा हो गया है कि शायद आप उसको मेंटेन कर पाए, पर 2 से ज्यादा कोशिश करें कि खाने और सोने के समय में 2 से ज्यादा का डिफरेंस तो कम से कम हो। फ्रिज का उपयोग कम से कम करना पड़े। ताजा फल सब्जियां दूध आदि का उपयोग करें। फ्रिज की बजाय मटके का पानी या सामान्य तापमान का पानी पिए। पानी को एक एक घूंट करके पिए, जल्दी नहीं पी जाना है। बाहर भोजन करने से यथासंभव बचे, करना भी पड़े तो सीमित और शुद्ध भोजन का चुनाव करें। बाहर कोशिश करें कि हम गर्मी करें लेकिन करना पड़े तो ऐसी जगह ऐसा भोजन चुने कि हम उसमें ज्यादा गरिष्ठ वाला या ज्यादा ऐसा भोजन नहीं चुने। ताजा बना हुआ भोजन करें, बासी भोजन नहीं करें। कभी गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो दूसरे समय कच्चे भोजन पर रह कर या उपवास कर शरीर को संतुलित करें। कभी कभी हो जाता है ना, थोड़ा सा ऐसा हो गया, हेवी हो गया है, तो उसको उसी दिन दूसरे दिन संतुलित कर ले, उसको फिर आगे रूटीन को बिगड़ने देते। ये भोजन संबंधित कुछ आदतें हैं, ये सारी लिस्ट नहीं है। सारी लिस्ट बनाऊंगा तो इतनी लंबी है कि धारण स्वरूप बनाइए कुछ बातें, और ये इसके लिए अलग से करने वाला भी ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये आदत की बात है, अभ्यास की बात है। तो इससे क्या, हमारा मन खुश रहता है, शरीर खुश रहता है, शरीर को अच्छी सामग्री, क्योंकि जो हम डालेंगे, जो हम ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा फल मिलेगा। अन्य स्वास्थ्य संबंधित आदतें, ये भी कुछ उदाहरण है, सारे उदाहरण है, सारी लिस्ट नहीं है कोई भी। छोटे मोटे लक्षणों के लिए तुरंत दवा न ले, बीमारी को जड़ से मिटाने का कार्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि कभी सिर दर्द हुआ, कभी बदन दर्द हुआ, कभी खांसी जुकाम हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, तो तुरंत दवा न ले। बुखार हुआ है, ये भूख नहीं लग रही, तो थोड़ा सा उपवास के द्वारा नींबू पानी वगैरह पर रहकर उसको स्वाभाविक रूप से जाने दें।
हम सोचते हैं कि दवा लेके हमने इलाज कर दिया, और दवा लेके इलाज नहीं किया हमने, जो इलाज हो रहा था उसको शरीर को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वो लक्षण तो दवा दिए है दवा ने, पर कुछ और समस्या पैदा कर दी और धीरे धीरे फिर शरीर इसी तरह से पूरा बीमार हो जाता है, दवाओं का आदि हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनको प्राकृतिक तौर पे ठीक करें और अपने को दवाओं से इनसे बचा कर रखें, और फिर सेहत साथी की जीवन शैली है, ये आदतें हैं, इस तरह से जीना सीखेंगे, आपको दवाओं के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन थोड़ी देर प्रातःकाल की धूप का सेवन करें, थोड़ी देर मिट्टी पर नंगे पांव चलना, जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, अपने नजदीकी स्थानों पर पैदल जाने की आदत रखें, वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें, जितना हो सके पैदल चलें, स्वाभाविक तौर पर जाना कहीं तो छोटी छोटी जगहों पर पैदल जाए तो आपका भ्रमण भी हो जाएगा। उचित व्यायाम दिन में एक बार तो करना ही है, लेकिन बाकी दिन पर भी शरीर को सक्रिय रखना है, जैसे खेलना, चलना, चढ़ना, साइकिल चलाना, बीच में जॉइंट रोटेशन की छोटी छोटी क्रियाएं आदि। व्यायाम हेवी व्यायाम हो सकता है दिन में एक बार के लिए हो, लेकिन बाकी सब चीज शरीर में वो सिस्टम नहीं कि आप एक बार व्यायाम, शरीर सक्रिय रहने के लिए तो एक्टिविटी चलनी चल चलती रहनी चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियां बर्तन में, गर्म खाद्य पदार्थ न रखें, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना न पकाएं, ऐसे बहुत सारी चीजें उदाहरण दे दिया है कि बहुत सारी चीजें। फिर आपको माइक्रोवेव का यूज नहीं करना चाहिए, नॉन स्टिक में नहीं पकाना चाहिए। तो फिर अब क्या, केवल उदाहरण स्वरूप मैंने याद दिलाया है, बाकी आपको ज्ञान तो बहुत सारा मिलता रहता है। रात्रि को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें, ये जरूर ध्यान में रखें, सुबह का भूल जाएंगे तो फिर भी उतना बड़ा दिक्कत नहीं है, रात का भूलना ज्यादा बड़ा दिक्कत है, इससे बीमारियां बढ़ती है। मुंह में जब भोजन रह जाता है तो वो कीटाणु में परिवर्तित हो जाता है और पूरे शरीर के अंदर फैलते हैं, तो बहुत ही जरूरी अच्छी तरह से ब्रश करना, मुंह को पूरी तरह से साफ करके सोना। स्नान करते समय शरीर को अच्छी तरह से मले, स्नान करने का मतलब केवल साफ करना नहीं है शरीर, स्नान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्प करती है, तो मलना शरीर की मालिश करनी पानी के साथ। ऐसा कर सकते हैं कि यूं मान लीजिए आप जब स्नान कर लिए तो आप कोशिश कीजिएगा आप शरीर को मलमल के ही सुखा रहे, तो आप करके देखें आपको बहुत मजा आएगा। और फिर तौलिए से जब सुखा लेते हैं तो उसके बाद सूखे शरीर को तौलिए से अच्छी तरह से रगड़ें, सुखा तो लिया फिर भी एक बार ऐसा रगड़ें तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए और इसके लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया सिद्ध होगी, बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें क्या, अलग से कुछ नहीं करना, हम जो करते था ही नहीं, पर आदत थोड़ी सी होने की बात है, स्वभाव संबंधित आदत है। हमेशा स्वीकार भाव में रहे, जब प्रकाश दिया मैं रोज अभ्यास करवाती, स्वीकार भाव, शिकायत भाव में न रहे। सबसे मेल जोल में हंसी मजाक की आदत रखी, कुछ अच्छी आदतों वाले अच्छे मित्रों का साथ रखें, फिर अपने आप को हमेशा सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें, खाली नहीं रखना, कुछ न कुछ अच्छा पॉजिटिव वर्क जो है आपके जीवन में होना ही चाहिए, जिसमें आप व्यस्त रहे अपने आप, क्योंकि खाली रहना इंसान का स्वभाव नहीं है, मन का स्वभाव नहीं है, मन को खाली रख के देखो आपको तुरंत उपद्रव करेगा, तो ऐसा उपद्रव करने का मौका क्यों दे, हम इतना निजी रखें, पॉजिटिव रहे, कुछ समाज सेवा के कार्य अवश्य करें, इससे मन बहुत अच्छा रहता है और
सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। कुछ अच्छे शौक जरूर रखें, जैसे संगीत, खेल, पेंटिंग, नृत्य, बागवानी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर जीवन में कुछ अच्छे शौक रखने चाहिए ताकि आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त के रूप में वो आपके साथ रहेगी। अच्छा संगीत सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छे सत्संग करें। जब भी आपको ये सब कुछ करना हो तो चुनाव अच्छा होना चाहिए। हर कुछ गलत सलत सुन रहे हैं, घर में पता नहीं कौन सा संगीत लगा रखा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नकारात्मक टीवी सीरियल, फिल्म, उपन्यास आदि से बचें, ये हमारे मन को खराब करते हैं। जो भी देखना हो चुनाव अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, बहुत ज्यादा मोबाइल और अनावश्यक सोशल मीडिया से बचें, एक सीमित होना चाहिए सदुपयोग, जितना जरूरी उतना करें, अनावश्यक उसमें नहीं मिलते रहे। ये एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, अभी समझ जाने की जरूरत है। दूसरों की बातें माने लेकिन कुछ अपनी भी सुने। मन जो हमारा वो बहुत समझदार है, बस कुछ अपनी भी सुनते रहें। सूक्ष्म का अभ्यास लगातार करते रहें। जो हम यहाँ अभ्यास करते हैं कभी कभी, वह अभ्यास निरंतर करते रहें, दिन में 10 बार करें, कोई दिक्कत नहीं। शारीरिक व्यायाम संबंधित कुछ आदतें, नियमित व्यायाम जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ये नहीं छोड़ना। आप प्रातःकाल 5:30 बजे जो चालू होता है योगा, वो ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा रूटीन वगैरह सेट करके। ये आप जो सब बोलते हैं ना कि हम तो लेट सोते वगैरह करते हैं, आप तो सब ऐसी बातें करते हो जैसे मुकेश अंबानी हो रहे हो। थोड़ा सा रूटीन को व्यवस्थित करना चाहिए, समय पर सोना और सुबह उठ के टाइम पर उठना करना, व्यायाम में घूमना, आसन, साइकिल चलाना, तैरना, चढ़ना व अन्य सभी व्यायाम शामिल है। इनमें से कोई भी जो भी आप व्यायाम करते हैं जरूर होना चाहिए, लेकिन दिन ऐसा नहीं कि व्यायाम बिना ही जीवन चलता है। व्यायाम सुबह या शाम कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट भी करना चाहिए, ये ध्यान रखना। शाम को भी कर सकते हैं। व्यायाम के तुरंत बाद भोजन या स्नान न करें, पहले शरीर को पूर्णतः सामान्य अवस्था में आने दें, फिर करें भोजन या स्नान। व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें, सबके लिए एक समान व्यायाम उपयुक्त नहीं हो सकता है। कई बार गलत व्यायाम करने से, फोर्सफुली करने से दिक्कतें भी पैदा हो जाती है, तो हमें बहुत समझदारी से और समझ के साथ अपनी क्षमता को पहचानते हुए व्यायाम करना। ये कुछ उदाहरण हमने देखे आदतों के। ऐसे बहुत सारी उदाहरण होते हैं, मतलब बहुत सारे आदतें होती हैं, मैंने तो कुछ आदतें बताई है, और ये हमारे ज्ञान में भी आती रहती है, लेकिन हम लापरवाही से अपने स्वास्थ्य को खराब करते रहते हैं और माहौल भी बिगाड़ते रहते हैं सबका, आपस में दोस्त मिलके खराब आदत की ओर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमें अच्छी आदतें सीखनी है और अच्छी आदतें का वातावरण बनाना, आपस में हमारे मिलने जुलने वालों में अच्छी आदतों का प्रचलन बढ़ाना। अब एक साथी रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, 1 बजे तक कर रहा है, तो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं खुद ही डिस्टर्ब हो रहा, वो पता नहीं कितने लोगों के जीवन को खराब कर रहा। एक लेट उठ रहा तो अकेला लेट नहीं उठ रहा है, वो एक ऐसा माहौल का निर्माण कर रहा है कि
इस दुनिया में कुछ जो लोग है जो समय का पालन करते हुए वो कुछ कुछ हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे वो बिगाड़ने का कार्य कर रहे। तो हमें क्या बनना है? हमें स्वास्थ्य निर्माण करता बनना है। तो हमें ऐसी बहुत सारी आदतों का ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छी तरह पालन भी करना चाहिए और वो माहौल भी बनाना चाहिए और हमारे दोस्तों को मिलने जुलने वालों के लिए वो वातावरण भी पैदा करना चाहिए। और आज केवल स्वास्थ्य संबंधित आदतों का ऐसे ही मैंने थोड़ा सा लिस्ट आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, अपनाना, इनका लाभ लेना। क्योंकि सेहत साथी फिर भी जब हम कार्य करेंगे तो हमको भी ये थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बेसिक ज्ञान सबको होना चाहिए ताकि हम लोगों को लाभ पहुंचा सकें, उनको सलाह दे सकें। तो इस दिशा में निरंतर हम बढ़िया होते रहे। चलिए आइए अभ्यास करते हैं। आइए मोनालिसा जी। सर ये बता तो दी मैंने सारे, सबको कैसे मिलेगी? पीडीएफ भेजने से मिल जाएगी। ये सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या किया? हाँ, जी यूट्यूब में भी है। यूट्यूब में है और जाकर आप ले सकते हैं चाहिए तो।